हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट नॉर्थ सीट के लिए क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड आउट इट। आपको ये इमेज दिया गया है, इस पे कौन सी कंडीशन है ये फाइंड आउट करना होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन ई संकन चेस्ट, ऑप्शन बी फनल चेस्ट, ऑप्शन सी पिजन चेस्ट, ऑप्शन डी बैरल चेस्ट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी पिजन चेस्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो ब्रेस्ट बोन है वो आउटवर्ड्स की तरफ प्रेस हो गई है और मिडल ऑफ द चेस्ट जो है वो स्टिक आउट है, तो यह जो कंडीशन होती है वो कहलाती है पिजन चेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए नर्स प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन टू द मदर ऑफ ए न्यूबॉर्न विद हाइपरबिलिरुबिनेमिया हु इज बीइंग ब्रेस्टफेड, द नर्स प्रोवाइड विच एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन टू द मदर। एक हाइपरबिलिरुबिनेमिया वाला न्यूबॉर्न है, यानी कि जॉन्डिस का कंडीशन है, मदर उसको ब्रेस्टफीड करा रही है, नर्स यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन मदर को देगी? ऑप्शन ए फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू बॉटल फीडिंग फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन सी कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 3 hourly, ऑप्शन डी स्विच टू बॉटल फीडिंग फॉर द 2 weeks। देखिए सबसे फर्स्ट हम देखेंगे फीड द न्यूबॉर्न लेस फ्रीक्वेंटली, यहाँ पर डिहाइड्रेशन का कंडीशन हो सकता है, तो यह ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। इसी के साथ ही बॉटल फीडिंग पे स्विच करने वाले भी दोनों ही ऑप्शन हमारे रॉन्ग होंगे। सो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन सी कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 3 hourly। अगर जॉन्डिस वाला बच्चा है तो भी उसको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग देना ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ह्यूमन प्लेसेंटा। ह्यूमन प्लेसेंटा के लिए जो भी करेक्ट स्टेटमेंट है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए ह्यूमन प्लेसेंटा इज डिस्कॉइड, ऑप्शन बी ह्यूमन प्लेसेंटा इज हीमोकोरियल, ऑप्शन सी प्लेसेंटा एस्टैब्लिश कनेक्शन बिटवीन मदर एंड बेबी थ्रू अम्बिलिकल कॉर्ड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ह्यूमन प्लेसेंटा जो होता है वो डिस्कॉइड भी होता है, हीमोकोरियल भी होता है, इसी के साथ ही मदर और बेबी के बीच में कनेक्शन भी एस्टैब्लिश करता है। सो यहाँ पर दिए गए सारे ऑप्शन सही है, राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिफ्लेक्स यू सीन इन बिलो इमेज। हमें यहाँ पर एक रिफ्लेक्स का इमेज दिया गया है, वह कौन सा है? ऑप्शन ए मोरो रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी प्लांटर रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी रूटिंग रिफ्लेक्स। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी प्लांटर रिफ्लेक्स। यहाँ पर जो इमेज दिया गया है वो है प्लांटर रिफ्लेक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए क्लाइंट हु हैड सर्जरी 24 hours ago रिपोर्ट्स पेन इन कफ, असेसमेंट रिवील्स रेडनेस एंड स्वेलिंग एट साइट ऑफ डिस्कम्फर्ट, व्हाट शुड ए नर्सिंग ऑफिसर डू। एक क्लाइंट है जिसका कि 24 आवर्स पहले सर्जरी हुआ था, उसे काफ में पेन है, जब भी असेसमेंट किया तो हमें फाइंड आउट किया हुआ कि वहां पर रेडनेस और स्वेलिंग है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब्ड एनाल्जेसिक, ऑप्शन बी अप्लाई ए वार्म सॉक टू लेफ्ट काफ, ऑप्शन सी नोटिफाई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, ऑप्शन डी कीप बोथ लेग्स डिपेंडेंट। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। ऐसी कंडीशन के अंदर हमारा सबसे फर्स्ट इमीडिएट एक्शन होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट चॉइस ऑफ आईवी पंक्चर साइट इज। जब भी हम आईवी के लिए पंक्चर करते तो सबसे फर्स्ट चॉइस हमारी क्या होती है? ऑप्शन ए वेंस इन द स्कैल्प, ऑप्शन बी वेंस ऑफ द फोरआर्म, ऑप्शन सी वेंस इन द फुट, ऑप्शन डी वेंस इन द थाई। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी वेंस ऑफ द फोरआर्म। सबसे फर्स्ट हम आईवी पंक्चर करते वक्त फोरआर्म की जो वेंस होती है उसे सबसे फर्स्ट चॉइस के तौर पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द करेक्ट कलर कोड ट्रायड सिस्टम ऑफ डिजास्टर पेशेंट्स आर एज अंडर। डिजास्टर पेशेंट का ट्रायड सिस्टम के अकॉर्डिंग करेक्ट कलर कोड क्या है? ऑप्शन ए ब्लू कलर माइनर इंजरीज, ऑप्शन बी ग्रीन कलर माइनर इंजरीज, ऑप्शन सी येलो कलर डेड पेशेंट, ऑप्शन डी व्हाइट कलर क्रिटिकली इल। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी ग्रीन कलर माइनर इंजरीज। माइनर इंजरीज के लिए ग्रीन कलर होता है, डेड पेशेंट के लिए ब्लैक कलर और क्रिटिकली इल के लिए रेड कलर कोड होता है। अकॉर्डिंग टू ट्रायज कलर कोड, रेड कलर जो होता है वो इमीडिएट के लिए है, येलो कलर डिलेड, ग्रीन माइनर इंजरीज, ब्लैक कलर डिजीज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कंडीशन शोन इन बिलो इमेज। इमेज के अंदर आपको जो कंडीशन दी गई है उसे आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शन ए साइनोसिस, ऑप्शन बी एडिमा, ऑप्शन सी सेल्युलाइटिस, ऑप्शन डी गैंग्रीन। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए साइनोसिस। साइनोसिस के अंदर क्या होता है,
हैंड्स और पेट्स जो होते हैं वो ब्लू कलर के दिखाई देते हैं, इसी के साथ ही फिंगर नेल्स भी ब्लू दिखाई देती है, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर इज इन्फॉर्मड दैट हर 2 ईयर्स ओल्ड फीमेल चाइल्ड हैज ब्रेन ट्यूमर। हर इनिशियल रिएक्शन इज टू क्राई एंड से दैट द डॉक्टर इज लाइंग, माय डॉटर इज जस्ट फाइन। दिस मदर इज मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंसिंग। एक 2 ईयर्स ओल्ड फीमेल चाइल्ड की मदर है, जैसे कि इन्फॉर्म किया गया है कि उसे उसके बच्चे को ब्रेन ट्यूमर है, तो उसका इनिशियल रिएक्शन होता है कि वह रोती है और बोलती है कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं, मेरी डॉटर बिल्कुल ठीक है। तो यह जो वो एक्सपीरियंस कर रही है वो क्या चीज है? ऑप्शन ए शॉक एंड डिनाइल, ऑप्शन बी एक्सेप्टेंस, ऑप्शन सी ए साइकोटिक एपिसोड, ऑप्शन डी मेनिया। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए शॉक एंड डिनाइल। जैसे ही उसे इन्फॉर्म किया गया ब्रेन ट्यूमर के बारे में तो वो जस्ट शॉक में चली जाती है और उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती है, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है डिनाइल वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन बिलो इमेज द स्केल इज यूज्ड टू असेस। इमेज के अंदर आपको एक स्केल दी गई है, वह क्या मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है? ऑप्शन ए पेन, ऑप्शन बी हियरिंग, ऑप्शन सी नॉलेज, ऑप्शन डी कॉन्शियसनेस। करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए। इमेज के अंदर जो स्केल दी गई है वो पेन का इंटेंसिटी और अदर फीचर्स को मेजर करने के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन द फर्स्ट वीक ऑफ विच मंथ। वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक जो होता है वो कौन से मंथ के फर्स्ट वीक में सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए जनवरी, ऑप्शन बी नवंबर, ऑप्शन सी मार्च, ऑप्शन डी अगस्त। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी अगस्त। अगस्त फर्स्ट वीक में हर साल ब्रेस्टफीडिंग वीक सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग बीएमडब्ल्यू सपोज टू बी डिस्कार्डेड इन। आपको एक इमेज दिया गया है, उसे कौन से बायोमेडिकल वेस्ट बिन में डिस्कार्ड करते हैं? ऑप्शन ए ब्लैक बिन, ऑप्शन बी ब्लू बिन, ऑप्शन सी रेड बिन, ऑप्शन डी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। राइट आंसर रहेगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी पंक्चर प्रूफ कंटेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए नॉन इम्यूनाइज्ड चाइल्ड अपीयर्स एट द क्लिनिक विद अ विजिबल रैश। Which of the following observations indicates the child may have measles? एक non-immunized child है, clinic के अंदर appear होता है, उसके ऊपर visible rashes देखने को मिल रहे हैं। कौन सा ऐसा observation होगा जो कि यह indicate करेगा कि child को measles है? Means measles में कौन से rashes होते हैं? यह आपको simply पूछा गया है। Option A, small blue white spots are visible on the oral mucosa. Option B, the rash begin on the trunk and spread outward. ऑप्शन सी देर इज ए लो ग्रेड फीवर। ऑप्शन डी द लेशंस हैव ए टीयर ड्रॉप ऑन ए हॉस्पिटल अपीयरेंस। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए, स्मॉल ब्लू व्हाइट स्पॉट्स आर विजिबल ऑन द ओरल म्यूकोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नर्सिंग इंटरवेंशन टू रिलीव मॉर्निंग सिकनेस इन ए प्रेग्नेंट वुमेन इज बाय गिविंग। प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर हमें मॉर्निंग सिकनेस देखने को मिलता है, इसको रिलीव करने के लिए अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? ऑप्शन ए आईवी इन्फ्यूशन, ऑप्शन बी एंटासिड मेडिकेशन, ऑप्शन सी लो सोडियम डाइट, ऑप्शन डी ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक टोस्ट। करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी ड्राई कार्बोहाइड्रेट फूड लाइक टोस्ट। यह जो होते हैं वो मॉर्निंग सिकनेस को रिलीव करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम प्रोवाइड मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ए पेशेंट। कौन सा ऐसा ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है जिसके अंदर की आप मैक्सिमम कंसेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पेशेंट को डिलीवर कर सकते हैं? ऑप्शन ए नेजल कैन्यूला, ऑप्शन बी वेंचुरी मास्क, ऑप्शन सी नॉन रिब्रीदर मास्क, ऑप्शन डी पार्शियल रिब्रीदर मास्क। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन सी नॉन रिब्रीदर मास्क। मैक्सिमम कंसेंट्रेशन नॉन रिब्रीदर मास्क से डिलीवर किया जाता है, आप इस इमेज में भी देख रहे हैं, यह है नॉन रिब्रीदर मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पेशेंट एज्ड 14 मंथ्स इज रिकवरिंग फ्रॉम सर्जरी टू रिमूव विल्म्स ट्यूमर, व्हिच फाइंडिंग बेस्ट इंडिकेट द चाइल्ड इज फ्री फ्रॉम पेन। एक चाइल्ड है 14 मंथ्स ओल्ड जिसका कि विल्म्स ट्यूमर का सर्जरी हुआ था, उसके अंदर कौन सी ऐसी फाइंडिंग है जो कि यह इंडिकेट कर रही है कि चाइल्ड को अभी पेन नहीं हो रहा है? ऑप्शन ए डिक्रीज्ड एपेटाइट, ऑप्शन बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ऑप्शन सी डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट, ऑप्शन सी इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन प्ले। राइट आंसर हमारा यहाँ पर ऑप्शन डी इंक्रीज्ड इंटरेस्ट इन प्ले। एक बहुत ही वैल्यूएबल क्लू हमें दिया गया ऑप्शंस में से पेन के रिलेटेड, जो कि है चेंजेस इन बिहेवियर। अगर पेन नहीं हो रहा होगा तो चाइल्ड जो है वो खेलना पसंद करेगा, एंजॉय करना पसंद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मदर टेल्स द नर्सिंग ऑफिसर दैट हर डॉटर स्नीजेस एंड गेट्स रशेस व्हेन प्लेइंग विद ब्राइटली कलर्ड बलून्स।
The nurse would suspect that the child may have an allergy to. एक मदर है जो कि नर्सिंग ऑफिसर को बता रही है कि उसकी डॉटर जब भी ब्राइट कलर बलून्स के साथ खेलती है तो उसे स्नीजिंग और रशेस की कंप्लेन रहती है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर नर्स जो है वो क्या सस्पेक्ट करेगी कि चाइल्ड को किससे एलर्जी हो सकती है। ऑप्शन ए बनानास, ऑप्शन बी लेटेक्स, ऑप्शन सी कीवी फ्रूट, ऑप्शन डी ग्लूकोज। राइट आंसर है हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी लेटेक्स। बलून जो होते हैं वो लेटेक्स से बने होते हैं जिसकी वजह से कि उनके डॉटर के अंदर स्नीजिंग और रशेस हो सकते हैं, इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि ऐसे चाइल्ड को बलून से एक्सपोज नहीं करें।